अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स विद चौधरी नसीर। दोस्तों, इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, PWD, पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन एंड पैनिया टाउन। ये जिस जगह को हम क्रॉस कर रहे हैं, जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसको जीरो पॉइंट कहा जाता है। बेसिकली इस्लामाबाद के जो डिस्टेंस हैं इस जगह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम जीरो कहा गया है, जीरो पॉइंट के नाम पे रखा गया है। यहाँ से कैलकुलेट करके जो जगह जितने फासले पर हो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो बेंच मार्क है वो जीरो पॉइंट है। अब हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर लिया है टुवर्ड्स बहरिया टाउन वाया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। इस्लामाबाद की बेशतर आबादी दोस्तों जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो चूँकि इस्लामाबाद के सेंटर में या डाउनटाउन में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज़ करना हो या रेंट पर लेना हो तो घर आपको इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में मिल जाता है। इसका फासला ऑलमोस्ट 20 से 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक होता है, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ हैं, कनेक्टेड हैं आपस में, इस वजह से फासला इतना मैटर नहीं करता। और दूसरा, इस्लामाबाद का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी है। यहाँ पर रक्शे, टांगे, वैंस, बसेस और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है इसको आने की इजाज़त नहीं है, तो जो ट्रैफिक रह जाती है वो कार्स, जीप्स, बाइक्स, इस तरह की चीज़ें हैं। अभी हम ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स PWD एंड बहरिया टाउन। PWD में इस्लामाबाद की काफ़ी सारी आबादी जो है वो रिहायश पसीर है और काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, क्योंकि ये आसपास की बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को लगने वाली बड़ी मार्केट कंसिडर की जाती है, जो मेन बुलेवार्ड है PWD हाउसिंग सोसाइटी की। आजकल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, ओवरहेड का और अंडरपास का, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी सी ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन आप देखेंगे रास्ते में, और वो इस वजह से है कि अभी पास जो है मुझे तामीर है और रोड्स जो हैं वो गुलबर्ग से आगे थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती है, एक बॉटलनेक बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाती है। बाकी आप इस्लामाबाद से अपना ट्रैवल स्टार्ट करें तो कॉन्टीन्यूस आपको रबात तक ये सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे है, इसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा, फ्लो से ट्रैफिक चलती रहती है। लेकिन इसकी सराउंडिंग में जो आबादियाँ हैं राइट लेफ्ट और पिंडी की, लोग काला खान वगैरह और इस तरह के एरियाज, वहाँ पर अक्सर औकात कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई मसला मसाइल, कोई चीज़ चलती रहती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आकर मेन रोड पर इस पर आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं और रोड अक्सर औकात जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है। ये जगह इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाती है, इस जगह को फैदाबाद कहा जाता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये फैजाबाद का ब्रिज है। IGP रोड से और फैजाबाद से आने वाली हैवी ट्रैफिक लेफ्ट साइड से यहाँ पर आकर टुवर्ड्स रबात शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और ट्रैफिक स्लो हो जाती है। हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हैं और मैं हूं आपके साथ, आपका गाइड या आपका होस्ट आज के सफ़र का, चौधरी नसीर। इधर की आसपास की एरियाज़ की मालूमात, ट्रैफिक की अपडेट्स, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये जो ब्रिज है ये फैजाबाद ब्रिज है, जहाँ पर अक्सर औकात
बहुत सारे धरने भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिस जगह को ब्लॉक करने से आपको जो ट्रैफिक इस्लामाबाद आ रही है और जो इस्लामाबाद से बाहर जा रही है, या जो पिंडी की तरफ से आ रही है, या मरी की तरफ से आ रही है, या इन एरियाज में जा रही है, वो सारी चौक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है, एक बॉटल नेक बन जाता है, ट्रैफिक स्टक हो जाती है। और जो भी अजाइम फॉलो करने के लिए धरने या कोई प्रोटेस्ट किए जाते हैं उसमें शिद्दत आ जाती है। अभी हम फैजाबाद क्रॉस कर चुके हैं और हमारी राइट साइड पर जो पिंडी का एरिया है, इस एरिया को लोग काला खान कहते हैं, और लेफ्ट साइड पर जो एरिया है इसे सुहान के नाम से जाना जाता है। इस सुहान के एरिया में जो हमारे पाकिस्तान की आबान बरादरी है, वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुकीम हैं। ये जो ओवरहेड ब्रिजेस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी रिसेंटली बनाए गए हैं ट्रैफिक के फ्लो को ईज देने के लिए, उसको चलता रखने के लिए। वरना इस सिग्नल पर भी, सुहान वाले सिग्नल पर भी काफ़ी सारी ट्रैफिक रुक जाती थी। पहले ये रोड इस्लामाबाद का जो पुराना एयरपोर्ट था उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। अब कुछ लोड इस पर कम हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है साइड से शिफ्ट करके फतेहजान की तरफ लेकर जाया गया है, जो कश्मीर हाईवे की अप्रोच में है। कश्मीर हाईवे पर इस एक्सप्रेसवे की नस्बतन ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि वहाँ पर ये हैवी ट्रैफिक जो है वो नहीं है। उस हैवी ट्रैफिक को मुरड़ा मोड़ से डाइवर्ट करके आईजीबी रोड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो इतना नहीं है। लेकिन इस एरिया में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर हमारे साथ सारे ट्रक्स, बसेस, कंटेनर्स, सब हैवी ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से अक्सर अवकात यहाँ पर फ्लो कम होता रहता है। दूसरी वजह इसकी ये है कि राइट और लेफ्ट पे जो ये आबादियाँ हैं पिंडी की, सराउंडिंग की, ये लोग भी पैदल ट्रैवल करते हैं, रोड्स क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होती रहती है। हमारी राइट साइड पर इस वक्त जो एरिया है इसे टूरी रोड कहा जाता है, और ये आगे जाकर सादगाबाद के साथ कनेक्ट करती है। पिंडी का एक मशहूर एरिया है। लेफ्ट साइड पर हमारे जो एरिया है इसे शकरियाल के नाम से जाना जाता है। अब जो मस्जिद आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं दोस्तों, ये मस्जिद ज़िया मस्जिद के नाम से मशहूर है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के टाइम में, इस वक्त जनरल ज़िया साहब ट्रैवल कर रहे थे टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और रास्ते में नमाज का टाइम हो गया, तो उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर एक ये छोटी सी जगह मिली जहाँ पर उन्होंने अपनी नमाज अदा की। तब से यहाँ पर एक बहुत अच्छी मस्जिद भी बना दी गई और इस मस्जिद का नाम ज़िया मस्जिद रख दिया गया। अब जो एरिया हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आ रहा है, ये भी पिंडी का एक बड़ा मशहूर और पुराना और कंजेस्टेड एरिया है, इसे खन्ना कहा जाता है। ये सामने जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये खन्ना पुल है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न हो जाएं तो हम लतराड़ रोड की तरफ जाते हैं, ज्वालीपुर और दीगर शहरों को क्रॉस करते हुए कोटली सतिया की तरफ रोड जाती है। अगर हम यहाँ से राइट हो जाएं तो हम खन्ना में एंटर हो जाते हैं, और खन्ना आगे जाकर रोड ये भी सादगाबाद के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये जो ओवरहेड अब देख रहे हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए और बाइक्स के लिए बनाया गया है। पहले इस जगह पर भी एक चौक हुआ करता था जहाँ पर सिग्नल था और काफ़ी ट्रैफिक रुकती थी, ये भी सिग्नल फ्री कर दिया गया है। इससे आगे दोस्तों हमारी राइट साइड पर एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है जो एयरफोर्स
फोर्स ऑफिसर्स के लिए बनाई गई है और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स वहाँ पर रहते हैं, जिसका बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, तो बड़ा कंट्रोल्ड सिस्टम है फोर्सेज की वजह से, फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। लेफ्ट साइड पर जो हमारा एरिया है इसे खाना ईस्ट कहा जाता है। चौक हमारा एक दो मिनट में आने वाला है, वो कराल चौक के नाम से जाना जाता है। ये वो चौक है जहाँ से टर्न होकर राइट साइड पर इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, जहाँ से जो अब वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है शिफ्ट होती है आजकल, इसका काम जारी है इस रोड की वाइडनिंग और अंडरपास और ओवरहेड का काम जो है वो चल रहा है। इसके साथ दोस्तों एक बड़ी मजे की चीज जो आज मैं भी फर्स्ट टाइम विटनेस कर रहा हूँ, ये सामने आप मेरे देख सकते हैं जो मलेशिया का ऑटोमोबाइल ब्रांड पाकिस्तान में आया है प्रोटन, ये प्रोटन की X70 SUV है, देखने में बड़ी प्यारी गाड़ी है। असल में हम लोगों का अलमिया ये है कि हम सिवाए गिने चुने चंद ब्रांड्स के जो हमारे जहनों पर सवार हो चुके हैं, किसी और ब्रांड की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ हम जाने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी तो अब हमारे मशहूर ब्रांड्स भी नहीं दे रहे,
तो अगर थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस किसी नए ब्रांड में आ जाए तो उसमें शायद कोई इतनी हद तक हमें इस बात नहीं होगी। एनीवेज ये चलते चलते चीज़ नज़र आई तो सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो हम स्लोली 4 और 5 की स्पीड पर इस बॉटल नेक में एंटर हो रहे हैं और इसे क्रॉस करते हुए अब हम चलते जाएंगे और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी स्लो देखने में मिलेगा। तो ये दोस्तों 5 लेन से 2 लेन में हम शिफ्ट हो गए। अब ये राइट और लेफ्ट पर ये ब्रिजेस भी नए बनाए जाएंगे ताकि इसे भी इस जगह को खुला किया जाए। लेफ्ट साइड पर काम जारी है इस चीज़ का, जब ये सारी चीज़ हो जाएगी तो फिर कतरे यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी और जो लोग इस्लामाबाद में या पिंडी में जॉब्स के लिए या अपने कारोबार के लिए या किसी भी काम के लिए आते हैं उनके लिए कम्यूटिंग टाइम और जो हेक्टिक टाइम है वो ईज हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इसके साथ ही लेफ्ट साइड पर रोड की वाइडनिंग का काम भी चल रहा है। अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो जाए ताकि आम आवाम के लिए आसानियाँ हो सकें। बहुत सारी कसीर तादाद है ऐसे नौकरी पेशा अफराद की जो एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं हैं या जिनकी सैलरीज हैं भी आजकल के महंगाई के दौर में लोग इस्लामाबाद में रहकर लाखों रुपए रेंट देकर और हज़ारों की तादाद में बिल्स देकर स्कूलों के फीसिस के एक्सपेंसेस और ग्रॉसरीज रन करके जिंदगियों को गुजारना बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जैसा कि हमारा दीन भी हमें कहता है कि मियाना रवि इख्तियार करें, उस मियाना रवि को इख्तियार करने में और उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए लोग इस एरिया में रहते हैं क्योंकि अच्छा और नया घर आपको अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। उन लोगों को ट्रैवल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना था, इनकी मुश्किलात इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दूर हो जाएंगी जब ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पर दोस्तों हमारे जो एरिया है इसे लोई भेर कहा जाता है, ये गांव था बेसिकली लोई भेर जिसका नाम है और इस एरिया जहाँ पर ये PWD सोसाइटी आबाद है या जिना गार्डन आबाद है इस एरिया को भी लोई भेर ही कहा जाता था आज से 10-12 साल पहले। अब बहुत सी सोसाइटीज़ यहाँ पर बन गई हैं तो इनके नाम भी चेंज हो गए हैं। हमारी राइट साइड पर जो सोसाइटी क्रॉस हो रही है ये है कोरंग टाउन, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अच्छी रीजनेबल सोसाइटी है रिहाइश के लिए। इसी के बिल्कुल साथ राइट साइड पर कनेक्टेड है पाकिस्तान टाउन, ये भी एक छोटी सी आबादी है जो यहाँ पर वाकिया है। जब पाकिस्तान टाउन जैसे ही ख़त्म होता है तो राइट साइड पर PWD हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है। PWD हाउसिंग सोसाइटी से नेक्स्ट जो सोसाइटी राइट साइड पर वाकिया है वो है सवा गार्डन्स, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है PWD भी और सवा गार्डन के साथ कनेक्टेड है रिवर गार्डन्स और रिवर गार्डन से आगे DHA Phase 2 आ जाता है जो ऑलमोस्ट आबाद के काफ़ी करीब है। इसे नाम तो इस्लामाबाद का ही दिया जाता है लेकिन अगर फासला कैलकुलेट किया जाए
इस्लामाबाद के सेंटर से ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर में वाक़ है, तो एक अच्छा खासा फासला है। हमारी लेफ्ट साइड पर कुछ शादी हाउस, मार्किस और हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ बनाए गए हैं फोर्टर्स और हवेली के नाम से। जैसे ये ख़त्म होते हैं, इसके आगे एक कोरंग टाउन की एक्सटेंशन कह लें, बिकॉज उनके डेवलपर सेम थे, उसे जिना गार्डन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि रोड कंडीशन भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब है और ट्रैफिक कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। ट्रैफिक का फ्लो बहुत स्लो है। लगातार ट्रैफिक स्लो चल रही है जब से हम गुलबर्ग से आगे एंटर हुए हैं। किसी जगह पर भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती। ये हमको एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जिसके नीचे से ट्रेन की पटरी जा रही है, यहाँ से रेल क्रॉस कर कर जाती है। अब दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन एरिया। लूप्स जो PWD, मीडिया टाउन, बैरिया टाउन, सवा गार्डन, कोरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, सारी सोसाइटीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर कोई दोस्त अहबाब ट्रैवल करना चाह रहे हो ऑन GT रोड या जो शहर GT रोड पर वाकिया है पंजाब के, उन लोगों को इस रास्ता से गुजर कर जाना पड़ता है। इसलिए मैं ये सारा एरिया आपको विज़िट करवा रहा हूँ ताकि आपको आपकी करंट सिचुएशन पता चल सके कि यहाँ पर क्या हालात हैं और क्या निज़ाम है और क्या काम है। देख सकते हैं बिल्कुल सामने भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, राइट साइड पर भी रोड्स बन रही हैं, लेफ्ट साइड पर लूप्स बन रहे हैं। इस पूरे लूप को क्रॉस करके हम वापस PWD की तरफ टर्न होंगे ताकि मैं आपको बैरियर टाउन तरफ जाने वाला सारा रास्ता दिखा सकूं। बैरियर टाउन का जो एरिया आज हम विजिट करने वाले हैं, जो रोड दिखाने वाला हूँ आपको, ये बैरियर टाउन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 एंड फेज़ 6, 6 फेज़ हैं। इसके बाद जो फेज़ 7 और 8 है वो अक्रॉस द रोड वाकिया है, जो DHA की फेज़ 1 के साथ लिंक्ड है, और ये दूसरी साइड आ जाती है। इस्लामाबाद का DHA और इस्लामाबाद का बैरियर टाउन, अगर इस्लामाबाद से कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 25-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले पर वाकिया हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा फासला है। दोस्तों हम यहाँ से यू टर्न लेने वाले हैं और हम यू टर्न लेकर वापस PWD में एंटर होते हुए बैरियर टाउन की तरफ जाएंगे। जा रहे हैं यहाँ पर भी सारी बजरी ही डली हुई है,
सारी छोटे छोटे इस तरह के मिट्टी के टीले बने हुए हैं जिनको काट कर रोड्स बनाई जाती हैं, जिनको काट कर प्लॉटिंग की जाती है। इसलिए इस कोटवार रीजन में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कदरे महंगा है पंजाब या केपी या दूसरे एरियाज की नस्बत। इस एरिया को पहले कोटवार रीजन के नाम से ही जाना जाता था, उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद कैपिटल की बुनियाद रखी गई और फिर इसका नाम इस्लामाबाद पड़ा। इससे पहले इसे कोटवार रीजन के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स खाने पीने के, जूतों के, कपड़ों के, उनकी शॉप्स, उनकी आउटलेट्स यहाँ पर वाकया है। वजह ट्रैफिक का फ्लो स्लो होने की ये है कि यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इसी मेन रोड पर लिंक्ड हैं, क्योंकि एंट्रेंसेस आपको पीडब्ल्यूडी क्रॉस करके मिलती हैं। और ये दोबारा से प्रोटॉन X70 हमारे सामने आ गई, तो आप भी देख सकते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और शेप मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। साइड पर टर्न हो रहे हैं, टर्न होने के बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर्स पर हमें
बैरिया टाउन की फेस फोर की मेन एंट्रेंस मिलेगी। अगर हम उसी रोड पर स्ट्रेट जाते रहते हैं तो आगे मीडिया टाउन आ जाता है और सफारी विलास जो बैरिया टाउन का एक और प्रोजेक्ट है वो आता है। ये रोड भी PWD सोसाइटी का हिस्सा है, जहाँ पर ये ख़त्म होगी वहाँ पर बैरिया टाउन स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलप हो गई है, यहाँ पर भी ट्रैफिक स्लो स्लो जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि बैरिया टाउन की एंट्रेंस है। वेलकम टू बैरिया टाउन, गेट नंबर 2। सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है और चीज़ें बड़ी अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफ़र, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप ट्रैवल करते हैं इस रूट पर तो आपको पहले से मालूम होगा कि आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।